हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग इंस्टॉलमेंट्स वाला डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसकी फोटो ले लिया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स में। किसमें डिस्कस करते हैं? इंस्टॉलमेंट्स में। तो इस बार जो कंपनी पैसे मंगाएगी, इधर देखेंगे सभी बच्चे, इस बार कंपनी जो पैसे मंगाएगी वो क्या नाम है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है, ठीक है। सारे पैसे एक साथ नहीं मंगाए जा रहे। तो सर इंस्टॉलमेंट्स में भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस बनेंगे, तो देखते हैं क्या क्या है। लो जी, इंस्टॉलमेंट्स में हमें एंड नंबर ऑफ एंट्रीज हमारी थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसलिए पूरा बोर्ड रफ कर रहा हूं मैं। सही बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सर पहले तो आप केसेस बता दीजिए कि कितने केस बनेंगे। मैं शायद हो सकता है एक ही कराऊं, बाकी आपको घर से दे दूं। इधर देखेंगे तो बताइए, पहले हम पार की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं? पार, ठीक है सर। तो अब हमारे पास कितने केस बनेंगे, बातें नहीं, इधर देखो प्लीज। पार के साथ अब हम क्या कर रहे हैं सर, क्वेश्चंस कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं स्टार्ट। तो पार प्लस फुल्ली सब्सक्रिप्शन, पार प्लस फुल्ली। अगला केस कौन सा बनेगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 11, पार प्लस अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, इसमें है ही क्या। और अगला क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ सभी बच्चे, पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। अगला क्या बनेगा मेरे बच्चों, बताओ, पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन। देखना आ रहा है यार, पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है मेरे बच्चों। बताओ, अब यहां पर जब आप पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन में जाओगे ना मेरे बच्चों, तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन फिर बन जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों, बताओ। इसके अंदर 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, हटा सीधा बैठ, पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे बच्चों, बताओ, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोला करो भाई। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, आप टेंशन ना लो। पार प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें पता है 3 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, बताओ। पहला क्या बनेगा, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। पहला क्या बनेगा, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। दूसरा क्या बनेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट। और तीसरा क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मैं अगर आपको ये समझा दूं तो बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी, बोलो। क्योंकि प्रीमियम वाले में तो बस खाली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लगाना होता है, और डिस्काउंट वाले में खाली डिस्काउंट को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, बोलो हाँ या ना। तो सर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 9, 10 और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 14, और आपको घर से जो रहेगा वो रहेगा 15, 16, 17, 18, 19, फिर ये वाला आ जाएगा प्रीमियम वाला, और फिर आ जाएगा डिस्काउंट वाला 20, 21 और 22, 23, 24। समझ में आई बात है नहीं? इस तरीके से आपके 24 क्वेश्चन मैंने बनवाए थे। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। पार में 100 रुपए का डिबेंचर है, और हम सारे पैसे इकट्ठे तो मंगाए नहीं रहे, क्योंकि अब क्या चल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स। अब क्या चल रहा है मेरे बच्चों, बताओ, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। पैसा हम ऐसे मंगा रहे हैं, 40, 30, 20, 10, जबरदस्ती में फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, क्योंकि आपको सब आता है, ऐसी बात नहीं है। शेयर आप लोगों ने पढ़ रखा है, बोलो हाँ है ना, तो सीधा बैठ जाओ, चार्टे लगेंगे सीधा। हाँ जी बताओ, 40, 30, 20, 10, बताइए अब सारे बच्चे कैसे एंट्री बनाएंगे, पहली एंट्री बताओ फटाफट। हाँ भाई बता पहली एंट्री, बस क्या होगी एंट्री, बोल क्या, बैंक अकाउंट टू शेयर अपडेट, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी आ जाएगा, लुल्लू बोला खा के आएगा तू आज, जबरदस्ती यार। अच्छा सर फुल्ली सब्सक्रिप्शन है तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने, अप्लाइड भी कितना हो जाएगा, 10,000। फुल्ली सब्सक्रिप्शन है तो अप्लाइड भी कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 × 40, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और पेपर में यही आता है, ध्यान रखना। नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री बताओ बेटा आती है तो, 2%
हमने अपने एग्जाम्पल में 12% डिबेंचर लिया है, बातें नहीं करे कोई बच्चे। हाँ जी बेटे तू लाइट मत दिखा दिया हाँ यार। हाँ जी डिबेंचर एप्लीकेशन 2% है तो 10,000 गुणा में 40 तो कितना आ जाएगा 4,00,000। नरेशन क्या आएगी? बातें नहीं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर टू? परसेंटेज डिबेंचर। इसके बाद थर्ड एंट्री बताओ सभी बच्चे क्या होगा थर्ड एंट्री? सर जी मजा आ गया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक बच्चा अच्छे से नोट्स बना लेना यार प्लीज, ठीक है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और बताओ डिस्काउंट। इसलिए मैं सोचता हूँ डिजिटल बोर्ड होता ना मजा आ जाए फिर भाई साहब, है ना, सारे नोट्स बिल्कुल बढ़िया बन जाते। हाँ अभी पार चल रहा है तो 2% डिबेंचर, ठीक है? नरेशन, हाँ जी डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना फायदा हो जाता है ना उससे फिर लेंगे 10,000 रुपए लेंगे, 10 से पहले नहीं लूंगा भाई। तो हो गया हो जाएगा क्या है, कुछ तो टारगेट्स अचीव करने चाहिए ना यार, ऐसे थोड़ी है कि बस जो मर्जी लेते रहो फिर पागल हो। 3,00,000 यूट्यूब कुछ दे तो सही। हाँ वो तो तुम आते रहोगे उसमें क्या दिक्कत है, यूट्यूब से कुछ आज तक कमाया थोड़ी हम लोगों ने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, नहीं 10,000 रुपये लूंगा यार उससे पहले कुछ नहीं। अभी हमारे ठीक ठाक चल रहा है, कोशिश जारी हमारी। अलॉटमेंट मनी रिसीव, समझ में आ गई बात या नहीं आएगी बोलो बच्चों? तो 3,00,000 अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सर क्या इसमें कॉल सिनेरियो का कॉन्सेप्ट होता है? होता है कॉल सिनेरियो, लेकिन क्या है इसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, फोर फीचर का चक्कर नहीं होता, समझ में आई बात है? क्योंकि लेंडर अपनी किस्त नहीं देगा तो लेंडर ही फंसेगा उल्टा। लेंडर हम, मैंने बोला भाई तुझसे 5,00,000 का लोन लिया था, तू तो 4,00,000 का दे के ही, तू तो बीच में रुक गया, मैंने दे रहा 4,00,000 कर ले क्या करेगा। बात समझ में आई या नहीं? जब तेरे से बात पूरे 5,00,000 की, तुम 5,00,000 देना, लेंडर अपनी तरफ से डिफॉल्ट नहीं करे। समझ आया कुछ या नहीं है? तो जनरली ऐसा होता है, डिफॉल्ट करने का मतलब है लेंडर जो है अपना ही नुकसान कर रहा होगा, ठीक है सर? तो इसलिए मैंने देखा नहीं है फोर फीचर, बाकी आपको किसी बुक में दिखेगा तो मुझे बता देना। अगली एंट्री बताओ सारे बच्चे फर्स्ट। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल पेपर में फर्स्ट आप ऐसे लिखना, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ये वाली हमारी एंट्री किस चीज की हो जाएगी? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल का पैसा क्या करने की? ड्यू करने की। बताइए कितने डिबेंचर पर हम पैसा मंगाएंगे? 10,000 गुणा में 20, कितना आ जाएगा? 2,00,000। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अगली एंट्री में यहीं पर कर देता हूं, मेरे पास स्पेस की नीचे थोड़ी कमी है। तो अगली एंट्री बताओ सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या बनाएंगे फटाफट बताओ सारे बच्चे? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, पहले कॉल का पैसा मिल गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे करना, ठीक है बेटे? सेवन धर्मवीर कह रहा मैं बताऊंगा अगली एंट्री, बता बेटे। हाँ कौन सी सर? हाँ बोल। क्या है, किस चीज की एंट्री है ये बताओ? हाँ पूरी नरेशन बताओ बस। ये देखो तो डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर। नरेशन में क्या आ जाएगा? सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल का पैसा ड्यू हो जाएगा। कितने डिबेंचर्स पर? 10,000 डिबेंचर पर 10 रुपए, 1,00,000 रुपए बस। इस बार वो व्यक्ति टुकड़ों में पैसे दे रहा है तो हम टुकड़ों में ही एंट्रियां भी बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्या आ जाएगा बताओ? टू डिबेंचर सेकेंड कॉल, समझ में आ गई बात? 1,00,000 सेकेंड कॉल मनी रिसीव, सेकेंड कॉल मनी। इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? बोलो। तो ये था मेरे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आप लोगों ने क्या सीखा, डिस्कस करा इंस्टॉलमेंट के अंदर, क्या डिस्कस करा? इंस्टॉलमेंट प्लस फुल्ली सब्सक्रिप्शन। बोलो यार। yes, सर एक नंबर बिल्कुल क्लियर है जी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
सर पार चल रहा था, पार के साथ फुल्ली सब्सक्रिप्शन करा दिया सर, प्लीज अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमें घर से दे देना, हम घर से ट्राई करेंगे। कर लोगे आप सारे बच्चे? क्वेश्चन सेम ही है, 100 रुपए का डिबेंचर है और 40, 30, 20, 10 बोलो यार। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सर फिर भी अगर आप बताओगे तो कैसे करोगे? देखो पहले एंट्री फटाफट देखेंगे, ओरली बता रहा हूँ, जहां जहां 10,000 है बस वहां वहां पर क्या कर देना 9,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9,000 गुणा में 40, 3,60,000। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर 9,000 गुणा में 40, 3,60,000। डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर 9,000 गुणा में 30, 2,70,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2,70,000। डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट 2% डिबेंचर 9,000 गुणा में जो भी है आपका 20, 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 1,80,000। सेकंड कॉल का पैसा मंगाएंगे 9,000 गुणा में 10, 90,000। और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड। क्या बात सर जी, मजा बांध दिया आपने तो, पूरा ही करा दिया। यस बच्चों समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अब हम चलते हैं पार। अब हम किस पर चलते हैं? पार। अब आप लोगों को आएगा मजा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे बच्चों इंस्टॉलमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट्स के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन। पार प्रीमियम डिस्काउंट से इतना फर्क नहीं पड़ता। समझ आया नहीं आया? अब प्रीमियम वाले में सब में प्रीमियम आ जाएगा जब जहां जहां प्रीमियम। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम हमेशा किसके साथ क्रिएट होगा? परसेंटेज डिबेंचर। सीधी सी बात, प्रीमियम किसके साथ दिखाओगे? परसेंटेज। चलो सर अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम उधर की तरफ चलते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में पब्लिक मान लेते हैं अप्लाइड कर रही है कितने के लिए? 12,000 के लिए। कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 12,000। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? पब्लिक मांग रही है 12,000। तो फर्स्ट केस में क्या होता है? यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या होगा? अप्लाइड, आपको ये सब लिखना पड़ता है, अप्लाइड और एलोटेड। तो एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान वाली बात होती है। 2000 वाले को हमने कुछ भी नहीं दिया, तो जितने बच्चों ने शेयर्स अच्छे से कर रखा उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? बस शेयर्स की जगह आ जाएगा डिबेंचर, और जहां शेयर कैपिटल क्रिएट होती थी वहां पर क्या आ जाएगा? परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी बताओ सारे बच्चे? यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 12,000 इंटू में। सेम क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 100 रुपए का है और 40, 30, 20 और 10। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 12,000 गुणा में 40, 12×4 48, 1, 2, 3, 4, 4,80,000। समझ में आई बात? एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्वेश्चन 10, 11, 12। चल अगली एंट्री क्या होगी? यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट मत लगाना प्लीज, यहाँ पर गलत हो जाएगा। वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तभी साथ में आ सकता है जब क्या हो? लमसम, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट अलग किस्त है मेरे बच्चों। तो अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो यहाँ पर परसेंट डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पर 12,000 नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली में हमने डिबेंचर कितने इश्यू करे हैं? 10,000। अरे बोल दो यार। बाकी जो 2,000 है उनका पैसा हम क्या कर देंगे? वापस हम कहेंगे कि भाई यार सॉरी, हम आपको डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, हमारे पास उतना है भी नहीं। इसके बाद की सारी कहानी क्या है? सेम है, मैं चाहूं तो इसको यहीं पर कंक्लूड कर सकता हूं। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। समझ आया? बस एक लिख देता हूँ, बाकी आप कर लेना। कितने डिबेंचर्स पर पैसा मंगाएंगे? 10,000, क्योंकि एक्चुअली में डिबेंचर कितने इशू है? 10,000 गुणा में 30, तो कितना आ जाएगा? 3,00,000। बोलो यार। और नरेशन क्या आएगी? अलॉटमेंट। नरेशन क्या आएगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हमें अलॉटमेंट का पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगली बार ध्यान रखना, अगर ये आप लोग मुझे नहीं करके लाए, एग्जाम्पल्स दूंगा और ये 24 के 24 क्वेश्चन सबके हाथ ऊपर खड़े कराऊंगा, ध्यान रखना। कभी किसी भैम में मत रहना आप लोग, मैं पहले बता रहा हूँ, सबके हाथ ऊपर खड़े हो जाएंगे, सभी बच्चों, लड़के हों चाहे लड़के हों। और तो पिटाई तो मैं तुम्हारी नहीं करूंगा। खैर मैं नरेशन, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा क्या हो गया? मिलेगा। अब आप कर लोगे, ऐसी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी और ऐसी किसकी एंट्री होगी? सेकंड कॉल। तो सर ये तो आसान है, अननेसेसरी टेंशन दे रखी है, टेंशन तो कुछ है ही नहीं, आप घर जाके करो तो सही, टेंशन वाली बात क्या है? जब घर जाके करोगे नहीं तो वो टेंशन है बच्चों।
अब सर हम चलते हैं प्रोवाटा अलॉटमेंट। अब हम क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या चल रहा है बताओ, इसका नाम दो फटाफट, नाम दो जल्दी से। पार बातें नहीं प्लीज, पार प्लस इंस्टॉलमेंट प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोरा, समझ आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 को मैं यहां ला रहा हूं, हो सकता है मैं 13 करा के 14 आपको बोल दूं, बट टाइम तो 10 बज गए पता नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ सर आपको तो नहीं पता चला, इधर देखेंगे। हाँ जी बताओ फटाफट, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या एंट्री होगी, इधर देखेंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज प्रोराटा अलॉटमेंट? यार सिंपल है सर, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, सबके हितों का ध्यान रखना। 12 वालों को हम 10 देते हैं, बस सीधी सी बात है। 100 का डिबेंचर है, 40, 30, 20, 10। आप सब बच्चों को पता है कि सर इनकेस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, इनकेस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी शैल ऑलवेज बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट इवन इफ क्वेश्चन इज, बस चेक कर लेंगे कहीं इतना फालतू तो नहीं है कि अलॉटमेंट में यूज होने के बाद भी बच जाए। तो अगर आप चेक करोगे तो एक्सेस खाली कितना है बताओ, यहाँ पर एक्सेस है खाली 2000 × 40, यानी कि 80,000 है ना भाई, 80,000। और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट पर, तो यूज हो जाएगा वो सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, 10,000 गुणा में 3।